वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल गार्डन डिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएसी कोलकाता का तरफ से जर्नीमैन पोस्ट पर आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था 20 जनवरी 2024, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024 तक चालू था। बहुत जल्दी इसका एग्जामिनेशन डेट का अपडेट आ गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए वैकेंसी डिटेल्स है, जिसमें जर्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर जर्नीमैन वेल्डर जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर जर्नीमैन मशीनिस्ट पाइप फिटर रिगर ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल मैकेनिक इतने सारा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था और इन सभी पोस्ट का ऑफिशियली एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब तक आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आना है जीआरएसी का करियर सेक्शन पर। इसके बाद आपको चार नंबर ऑप्शन जो मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2024/02 ब्रैकेट में जे, देखिए इसमें सिलेबस आपको दिया है। नीचे इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड टेस्ट रिटन टेस्ट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रैल 2024। देखिए एडमिट कार्ड आपका 1 अप्रैल 2024 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 7 अप्रैल 2024 एट कोलकाता एंड रांची। इसका रिटन टेस्ट 7 अप्रैल 2024 कोलकाता और रांची में होने वाला है। देखिए बहुत पहले इसका एग्जामिनेशन डेट को डिक्लेयर किया गया। आप आराम से, आप अगर बाहर स्टेट से हैं तो आप इसका टिकट को इजीली बुक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में टाइमिंग टेस्ट सेंटर डिटेल सब कुछ मेंशन किया रहेगा। अभी आपको टेस्ट सिटी और एग्जामिनेशन डेट बताया जा रहा है। अब बात आता है इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस फॉर रिटेन टेस्ट और देख लीजिए इसमें सिलेबस ऑफिशियली क्या दिया है। जब से इसका रिक्रूटमेंट आया है अब सभी स्टूडेंट का तरफ से सिर्फ रिक्वेस्ट आ रहा था सर इसका सिलेबस का ऊपर वीडियो बना दीजिए, लेकिन मेरा पास नहीं था क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट हम तो पहले नहीं देखा, बहुत पहले इसका रिक्रूटमेंट आना बंद हो गया था। इसमें टोटल 68 पेज का सिलेबस दिया है। इंडेक्स आप देख लीजिए और इंडेक्स का हिसाब से आप सिलेबस का जो पेज है वो आपको दिया है। अगर नॉर्मली फिटर का देखते हैं तो पेज नंबर 8 से 13 है, तो आपको पेज नंबर 8 पे चले जाना है। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं। तो इसमें देखिए जर्नीमैन फिटर के लिए आपका सिलेबस क्या दिया है पार्ट वन। पेपर के लिए देखिए इसमें आपको लीनियर मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट डिवाइडर कैलिपर हर्माफ्रोडाइट सेंटर पंच डॉट पंच इतने सारे जो आपको दिया है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके आप नीचे आ जाइए, देखिए और भी आपको दिया है जैसे एचपी वेल्डिंग इक्विपमेंट एलपी वेल्डिंग इक्विपमेंट। नीचे आ जाइए टोटल कितने क्या क्या सिलेबस इसमें दिया है इसको अच्छा से चेक कर लेते। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी शामिल होने वाला है, तो आप देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का कौन सा टॉपिक इसमें ऐड हुआ है। इसमें देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जैसे चैप्टर भी आपका रहेगा, यूनिट एंड फ्रैक्शन देखिए इसमें आपका रहेगा, और जैसे फैक्टर एच सी एफ एल सी एम प्रॉब्लम फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन डेसिमल फ्रैक्शन स्क्वायर रूट एंड रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज और भी अब देखिए इसमें चैप्टर दिया है। साइंस का मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी स्पीड वेलोसिटी वर्क पावर एनर्जी हीट एंड टेम्परेचर प्रेशर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मेंसुरेशन इतने सारा चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। लीवर एंड सिंपल मशीन और ट्रिगोनोमेट्री इतने सारा टॉपिक इसमें है। ओके तो आपका जो भी ट्रेड है आप इस पेज नंबर पर चले जाइए और देख लीजिए आपका इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपका अलग से कोई नॉन टेक्निकल पूछा नहीं जाएगा। इसमें देखिए आपको टोटल चीज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था इसलिए इनका ऊपर भी वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि आप लोगों के पास अभी भी अच्छे खासा टाइम है, लगभग 1 महीने का टाइम है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।